एवरी वन टूडे आईम स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक दैट इज सब ऑल्टन इन द नावल सब ऑल्टन इन द नावल में हम लोग कुछ आ, कुछ करैक्टर्स के बारे में बताएंगे जैसे कि एक है नत्थु मिल्की जो कि रघुनाथ नाथ नाथ जो, का सर्वेंट है एक नानकू जो कि लाला लक्ष्मी नारायण का सर्वेंट है पी एन ऑफ द खालसा स्कूल एट सैयदपुर टू कुलीस Uh, जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं एंड टू कॉलेज पियॉन्स के बारे में हम बात करेंगे एंड इसके अलावा जर्नल है फिर है मुराद अली रिचर्ड द एम्पेरियल रिप्रेजेंटेशन लीजा देवदत्त एंड कॉमरेड्स ये टोटल अगर हम देखें तो 11 करेक्टर्स हैं टोटल इसमें फिर से आपको बताती हूँ मैं नत्थू है मिल्की है नानकू है पियॉन है ऑफ खालसा स्कूल दो कुली दो कुली की बात की गई है और दो कॉलेज के पियन हैं और एक जर्नल मुरादली रिचर्ड लीजा एंड देवदत्त एंड कॉमरेड्स ये टोटल ग्यारह लोग हैं सो लेट स्टार्ट नाउ द नावल हाइलाइट्स द पार्ट प्लेड बाय द पुअर एंड द डिप्राइव्ड इन द कॉमिनल राइटिंग इन द सिटी एंड इट्स एनवायरन्स एंड दफरिंग्स टूरिंग ड्यूरिंग कॉमिनल वोलेंस तो ये जो इसमें जो है वो किसकी बात की गई है कॉमनल राइटिंग की बात की गई है तो उसमें जितने भी पुअर लोग हैं जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनके बारे में उनको उन्होंने जो पार्ट प्ले किया है उसके बारे में बताया गया है एंड उनके सफरिंग्स के बारे में भी बताया गया है जब ये राइट्स हुए थे तो उनके ऊपर कितना अत्याचार किया गया था उसके बारे में बात की गई है तो सबसे पहले हम नत्थू की बात करते हैं नत्थू रोल एज द अनविलिंग किलर ऑफ़ द पेग दैट ट्रिगर्ड of the roids has already been referred to from the periphery the writer has brought him center stage moreover he could also be called the conscience of the novel conscience of the novel ये जो टॉपिक है ना ये एक और क्वेश्चन बना था जो कि पीछे वाले क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है सो so, uh, he could also be called the conscience of the novel ठीक है एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ दोज हु सफ़र इज द डोमेस्टिक सर्वेंट्स जैसे कि मिल्खी रघुनाथ सर्वेंट जो कि मिल्खी जो है वो रघुनाथ का सर्वेंट है एंड नानकी नानकू एक्चुअली लाला लक्ष्मी नारायण सर्वेंट बोथ आर लेफ्ट बिहाइंड टू लुक आफ्टर द मास्टर्स प्रॉपर्टी आफ्टर द डेमसेल्स हैव टू सेफर प्लेसेस हालांकि वो सेफर प्लेसेस में चले गए थे लेकिन अपने सर्वेंट्स को जो कि नानकू था और मिल्खी था उन दोनों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था लाला लक्ष्मी नारायण वाइफ शोज सम कंसर्न अबाउट नानकू सेफ्टी वेन ही शी अपोजिज हर हजबेंड्स आइडिया टू सेंड हिम विद द मैसेज टू देयर रेलेटिव टू देयर रेलेटिव ऑफ देयर्स ड्यूरिंग द राइटिंग एट नाइट तो वो बोलती है नानकू टू इज़ द सन ऑफ सम मदर डोंट पुश हिम इन टू द जॉज ऑफ डेथ तो लक्ष्मी नारायण ये डिसाइड करता है कि वो नानकू को भेजेगा अपने किसी रिलेटिव के पास ये संदेशा लेके कि वो अपनी कैरियर खे, खे, के बारे में बताएगा अपने रिलेटिव्स को हुँ? ओके रात को हालांकि दंगे हो रहे थे फिर भी लक्ष्मी नारायण ने ये डिसाइड किया लाला लक्ष्मी नारायण ने ये डिसाइड किया कि वो नानकू को भेजेगा अपने रिलेटिवस के पास तो जो न, जो लक्ष्मी नारायण की वाइफ है लाला लक्ष्मी नारायण की वाइफ बोलती है कि नत्थू को इसको नानकू को बाहर मत भेजो वो भी तो किसी माँ का बच्चा है है और उसको आ, तो मतलब डोंट पुश हिम इनटू द जॉज ऑफ डेथ तो ये ऐसा इसमें बताया गया है ओके नाउ सिमिलरली वाइल अदर्स मूव टू द सेफ्टी ऑफ गुरुद्वारा

और वो बेचारा ड्यूटी करते करते मारा जाता है नाओ एक और कन्वर्स एक और है कुलीस कुलिस की बात की गई कुली की बात की गई है दो कुली आपस में बात कर रहे हैं इन द फर्स्ट अ कुली इज रिपोर्टेड टू अनदर कुली हिज डायलॉग विद द बाबू व्हेन द बाबू हु he was carrying told him that india was about to be free he said babuji what is that to me i am carrying loads now and shall continue carrying him them then out uh, our lot is to carry loads this remark gives an indication of how uh, little the poor expect their lives to be touched by what we consider to be most important events अब इसमें एक कुली की बात की गई है वो किसी आदमी से बात कर रहा है किसी बाबू से बात कर रहा है बाबू उसको बता रहा है कि अभी तो इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो वो कुली बोलता है कि तो सो so वॉट इससे क्या हमारा क्या भला होने वाला है हम तो पहले भी सामान उठाते थे और बाद में भी सामान ही उठाएंगे इसका मतलब ये है कि कि okay, इतना कुछ इतनी बड़ी चीज़ होने वाली है बट उस पुअर जो लोग हैं सब ऑल्टन जो है उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला उनकी लाइफ वैसी की वैसी ही रहने वाली है ओके okay, अब एक और कन्वर्सेशन इसमें बताई गई है टू कॉलेज प्योन्स की टू कॉलेज प्योन्स आर टॉकिंग टू ईच अदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पीस कमेटी मीटिंग इन द कॉलेज अटेंडेड बाय द अलाइट ऑफ द down one of them said to the other we poor people are such ignorant fools we go breathing breaking each other's hands these well-to-do people are so wise and sensible they are all here hindus muslims sikhs see how cordially they are meeting one another ओके okay. अब इसमें क्या है एक तो इस टॉपिक से यह पता चलता है कि इस बात से ये पता चलता है कि ये जो जो कुछ भी उस टाइम पे हो रहा था इससे कॉमन मैन को भी समझ में आ रही थी कि क्या चीज़ हो रही है है ना क्या हो रहा है हमारे देश में मतलब तो दो पियन आपस में बात करते हैं जब एक मीटिंग स्टार्ट होने वाली होती है कमेटी मेम्बर्स की पीस कमेटी मीटिंग होने वाली होती है तो हिंदू मुस्लिम पता है ना आपको हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलजुल के डीसी के पास जाते हैं तो बाहर दो तो पियन खड़े होते हैं तो वो आपस में बात करते हैं कि देखो हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि हम लोग आ, आ, हम लोग आपस में झगड़ते रहते हैं क्योंकि हम लोग जो हैं वो बहुत छोटे तबके के लोग हैं इसलिए हम लोग झगड़ते रहते हैं हमें कुछ पता नहीं है बट सी दिज लीड क्लास ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपस में ये मीटिंग कर रहे हैं और आपस में झगड़ भी नहीं रहे हैं है ना तो ये एक और कन्वर्सेशन है इसमें एक और बात की गई है इसमें ये बताया गया है कि जो पुअर लोग थे ना वो ज़्यादा एक्सपोज्ड थे ये जो कॉम्यूनल राइट्स हो रहे थे इनका ज़्यादा प्रभाव इन लोगों पे पड़ा था इसीलिए एंड में कॉमरेड जो देवदत्त है उसने ये बोला था कि ऐसे स्टैटिस्टिक्स निकाले जाएं कि Uh, कितने uh, जो आपके छोटे तबके के लोग हैं वो कितने इफेक्ट हुए हैं इस चीज़ से इस इन कॉम्यूनल राइट से ओके okay. अच्छा इसके बाद हम करेंगे uh, जर्नल जर्नल के बारे में पढ़ेंगे अभी हमने uh, नत्थू मिल्घी uh, नानकू uh, पियोन ऑफ द खालसा स्कूल टू uh, कुलीज और टू कॉलेज पियन्स के बारे में पढ़ लिया ठीक है अब हम बात करेंगे जर्नल की तो जर्नैल के बारे में आ, मैं पढ़ती हूँ ही इज अ अडल एजड सिख एक्टिविस्ट ऑफ द कांग्रेस हु इज एब्सोल्यूटली फेयरलेस एंड इज़ पैशनेटली डिवोटेड टू द कॉज ऑफ फ्रीडम ठीक है सम वर्ट असेंट्रिक असेंट्रिक होता है मीन्ज uh, ऑड uh, 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 अलग हरकतें करने वाला आदमी कुछ अजीब तरह का

ठीक है ड्यूरिंग हिज यंगर डेज अब उनके यंगर डेज की बात हो रही है तो ड्यूरिंग हिज यंगर डेज ही हेर अटेंडेड द कांग्रेस सेशन एट लाहौर इन 1929 एंड सिंस देन हैज ऑलवेज वॉन द वॉलटियर्स इन तब से ही वो इस तरह का रोल अदा कर रहे थे और वैसे ही यूनिफार्म पहनते थे एकदम से वेन अ पिक्स कैरकस इज स्पॉटेड एट द स्टेप्स ऑफ अ मॉस्क ही इट इज ही हु हेल्प्स बख्शी जी टू रिमूव इट ड्यूरिंग द Uh, during the rides while everyone else is sitting in the uh, in the safety of his home he is out making a speech to spread gandhi ji's message of peace okay uh, it is during one such speech that he falls to the lathi of a muslim zealot zealot means um, kattarpanthi jo hote hain na तो उनकी बात की गई है तो ये ये बताया गया है कि वो थोड़ा strange uh, um, type का आदमी है और थोड़ा लेकिन जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो वो सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है मे, मेजर रोल अदा करता है और चाहे वो किसी मीटिंग के अनाउंसमेंट हो किसी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का कुछ उसमें पार्ट पार्टिसिपेट करना हो या कोई स्पीच देनी हो और यह भी बात यह भी बताया गया है कि 1929 में लाहौर में वो उन्होंने एक एक जो है अटेंड की थी कांग्रेस सेशन को अटेंड किया था और वहाँ पार्टिसिपेट किया था तब से लेकर ही वो वॉल्ट्रली वा, काम कर रहा है उसके बाद जब भी जब भी और जब मॉस्क के आगे पिग का कैरकस रखा था तो वही एक आदमी था जिसने कि बख्शी जी की सबसे पहले हेल्प की थी है ना और आ, आ, लेकिन ए, ए, इन स्पीचेस के ही दौरान उस पर एक हमला किया गया किसी मुस्लिम कट्टरपंथी के द्वारा और वो वहीं पे मर गया ठीक है ओके वहीं अप, अपनी जान गंवानी पड़ी जर्नल सिंह को ओके उसके बाद हम करेंगे अभी मुझे लग रहा है वीडियो बड़ा हो रहा है तो आई विल कंटिन्यू इट इन पार्ट टू इन पार्ट टू वी विल स्टडी अबाउट मुरादली Richard, लीजा the and देवदत्त Okay. अच्छा uh, one more thing I want to tell. अगर आपको किसी असाइनमेंट में हेल्प चाहिए या कोई नोट्स चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिंक में डाल दूँगी आप नोट्स के लिए और असाइनमेंट्स के लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं थैंक यू सो मच